किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहते हैं, तो आज इसी मतलब कड़ी में हम आए हैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। लगभग मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है। तो हमारे एक टीचर हैं, वो मतलब पेशे से टीचर हैं, लेकिन इन्होंने जैविक खेती की है और वो भी हल्दी की खेती की है। तो हल्दी की खेती, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर कोई रासायनिक खेती करता है तो उस हल्दी का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। जब आप इसका कर्मिकुल रेट चेक करते हैं तो इसका कर्मिकुल रेट बहुत डाउन हो जाता है। तो हमारे मास्टर साहब ने पूरा कंप्लीट इसको जो है, और हमारे ही बताए द्वारा दिशा निर्देशों से इन्होंने खेती की है। और आपके सामने फसल जो दिख रही है, पीछे मेरे दिख रही है, ये फसल इनकी हल्दी की फसल है और लगभग 5 फुट के ऊपर जो है इनका फसल तैयार हुआ है। और आप ये समझिए कि फसल कंप्लीट बहुत ही ग्रोथेबल है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ नीचे भी बहुत बढ़िया है। आप वीडियो मेरी देखिए कि इसमें कितनी बढ़िया हल्दी जो है सामने दिख रही है आपको, और लगभग लगभग हर पेड़ में समथिंग अबाउट 1 से 1.5 केजी हल्दी इन्होंने पैदा किया है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि आपको अगर हल्दी की खेती करनी है या करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आप अब मास्टर साहब से भी ले सकते हैं। ये परिपक्व हो चुके हैं अपने आप में, इन्होंने 1 साल खेती की है और खेती करके इन्होंने रिजल्ट भी देखा है और सामने है। तो अभी आज मैं सबसे पहले तो मुलाकात कराता हूं हमारे मास्टर साहब से, मोहम्मद अकरम जी से। अकरम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और आप सबसे पहले तो अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और उसके बाद फिर मैं आपसे और कुछ पूछूं। सबसे बड़ी बात यह है सर, आपका भी स्वागत है, इतनी दूर से चल कर आए हैं। और मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर गांव परसीपुर का रहने वाला हूं और पेशेवर मास्टर हूं। जी जी जी। और सर, मेरे फादर वकील हैं। जी जी जी। तो मैं देसी खेती जुगाड़ चैनल के माध्यम से श्री जयप्रकाश सर का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, और इनके मार्ग हम बताए हुए मार्गदर्शन पर मैंने देसी खेती जुगाड़ चैनल के माध्यम से मैंने हल्दी की खेती की है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे चैनल को देख करके आपने खेती की है, और बहरहाल आपने मुझसे बराबर बात करके हर चीज़ पूछा है। जैसे कि आपने इसमें, मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी फसल दिख रही बहुत अच्छी फसल है, और मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जब आपने शुरुआत की थी तो ये लगभग 10-20 आपका खेत है, तो 1/3 मतलब एकड़ हम बोल सकते हैं, तो इसमें आपने 1/3 एकड़ में कितना बीज डाला था? लगभग सर 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। और मैं देख रहा हूँ कि आपने लाइन पे डबल डबल करके लगाई हुई है और बहुत ही अच्छी हल्दी का ग्रोथ है। मैं इसको भी खोद करके दिखाना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को। और सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो किसान भाई ही नहीं, जो भी मेरा चैनल देखते हैं, अगर आपको हल्दी चाहिए खाने के लिए, तो चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास मास्टर साहब की मैंने ही खुद बुक करके रखी है, मेरे 4 क्विंटल मुझे चाहिए आपसे, तो मैं अपने पास इसको लेता हूं, मेरे पास से बहुत लोग लेते हैं जैविक हल्दी। तो जैविक हल्दी अगर जो भी लोकल में हो, वो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप डायरेक्ट इनसे आकर के ले लें और प्रोसेस करें। अब रही बात प्रोसेस का वीडियो, अगर आप मेरा वीडियो देख करके ले रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको प्रोसेस करने का तरीका इसको बता दूंगा। प्रोसेस का मतलब कि ये गीली हल्दी को लेकर के आप कैसे पाउडर में तब्दील करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मास्टर साहब के पास कि मास्टर साहब ने हमारे इसमें क्या क्या फर्टिगेशन किया था, कैसे कैसे किया था। तो मास्टर साहब, आप शुरू से बताइए कि इसमें आपने बीज बता दिया कि आपने 1 क्विंटल डाला था 10-20 में, तो ये बताइए सर कि अगर हम इसमें जो जुताई से लेकर के कैसे कैसे आपने प्रोसेस किया सर? सर जुताई पहले तो मैंने देसी खाद डाला। जी जी। और फिर पानी डालकर इस पर जैसे खेत तैयार हुआ जी, जुताई कर जुताई की। जी, 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 जी। उसके बाद मैंने सर सॉइल कंडीशनर डाला। जी, सॉइल कंडीशनर डाला। जी, जी। आपने सॉइल कंडीशनर मेगा श्री वाला डाला कि और कोई? मेगा श्री। अच्छा, उसके बाद भी सर आपने इसमें क्या क्या किया सर, फर्टिगेशन के या तौर पे या जो भी है, मेड़ चढ़ाई क्या किया, कैसे किया सर? सर इसकी बुआई की। जी, बुआई कर दी। उसके बाद मेड़ चढ़ाई। जी जी। और उसके बाद जीवामृत। जी जी जी, इसको किया है। जीवामृत का आपने उपयोग किया, मतलब जमीन पे डाला और छिड़काव भी किया है। जी 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 जी। तो सर जीवामृत में कुछ आपने मिलाया भी था कि केवल जीवामृत का छिड़काव किया? स्टिकर मिलाए थे। जी, स्टिकर मिलाए। जी 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 जी। और कोई चीज?
और रासायनिक कोई चीज नहीं। अच्छा, रासायनिक आपने इसमें अभी कोई चीज नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फंगीसाइड भी आपने नहीं इस्तेमाल किया, केवल जीवामृत का ही इस्तेमाल किया? जी जी। और क्या क्या चीज सर इसमें डाला है, मतलब खाद के तौर पे आपने कोई और खाद डाली है सर? नहीं, रासायनिक कोई खाद नहीं डाली। जी नहीं डाली। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मास्टर साहब बता रहे हैं, और इनका ग्रोथ देख करके भी लग रहा है कि इन्होंने कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाली है। और अभी मैं आपको इसको चेक करके बताऊंगा कि रासायनिक और जैविक में फर्क क्या हल्दी में। इसको आप अगर कभी लेते हैं किसान भाई, तो आप आजमा के देख सकते हैं। कोई किसान आपको उल्लू नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर जिसने उल्लू बना दिया तो आप अगर चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठग से कि इसमें रासायनिक खाद कैसे पड़ी है, कितनी पड़ी है और इसकी मात्रा क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हल्दी जो है कैसे रासायनिक और जैविक चेक कर सकते। मास्टर साहब, जैसे कि आपको शायद एक चीज भूल रहे हैं, इसका पिछले साल आपने और हमने दोनों लोगों ने जी जी गद्दा खरीदा था। जी, याद आया? जी जी, हाँ हाँ। तो दो दो हजार रुपए का दोनों लोग लाए थे। जी, तो आप इसका बेसिकली बताइए कि इस गद्दे का फायदा क्या हुआ था? सर, इसका गद्दे का तो बहुत फायदा है। जैसे मान लीजिए घर में कोई यूज कर रहे हैं, तो मेरी तो माँ माता जी यूज कर रही थी, तो 74 साल की हैं और उनका जो दर्द होता था दुनिया भर का, तो अभी कोई दर्द नहीं है मेरे हिसाब से, तो रिपोर्ट ये है। अब आपके यहाँ क्या था ये बताइए? जी, हमारे यहाँ पिताजी का जी 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 वो हार्ट पेशेंट है। जी जी। और उनको जब से गद्दा पर रेस्ट मिला, बहुत उनको रिलीफ मिल गया। जी 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 जी, बहुत बहुत ज्यादा था। जी जी। तो अच्छा, ये बताइए, अगर आपके पास अभी हल्दी तैयार, अब इसको कटवाएंगे आप, जी जी, इसको आप बेचेंगे कि क्या करेंगे? सर, गद्दा बनवा देंगे। तो जी, बनवाएंगे सर। जी जी। तो अगर जैसे बेचना हो तो आप कितने में दे देंगे इसको? सर, दे देंगे जैसे जिसकी जरूरत अनुसार। मतलब अगर कोई पैसा नहीं है तो आप फ्री भी दे देंगे? फ्री भी दे देंगे। किसान भाइयों, इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा, इसके गद्दे को इस्तेमाल करिए। और मेरा मकसद बताना ये था इसलिए कि मैं भी यूज कर चुका हूँ और आप भी यूज कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने खेती करने का बेस मेन मुद्दा बनाया ही, मन इसी से बनाया था कि इसका अगर गद्दा काम आ सकता है तो हल्दी बहुत काम आएगी। तो किसान भाइयों, अगर गद्दे की जरूरत हो तो आप इनसे ले लीजिए, ये अभी देर मत कीजिए, 15 से 20 दिन में ये पौधा आपको मिल जाएगा। पौधा ले जाइए, घर में बना लीजिए और बना करके इस्तेमाल कीजिए। फ्री में दे रहे हमारे मास्टर साहब, इनका दिल काफी बड़ा है। मैं तो खरीद के लाया था, हम दोनों खरीद के लाए थे 2000 रुपए का। तो आप ले जाइए और इसका यूज कीजिए और देखिए क्या जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। किसान भाई देख सकते हैं, इतनी बड़ी हल्दी लगी थी और ऐसी गांठें कम से कम इसमें जो है 15 से 20 गांठें हैं। मतलब मान के चलिए 15 गुना हल्दी जो है आपकी तैयार होती है। तो जैसे कि मास्टर साहब, आपने कितना हल्दी लगाया, 1 क्विंटल बताया था सर या ज्यादा लगाया था? मेरे हिसाब से तो ज्यादा होना चाहिए। मैंने सर भूल गए थे जी, 1.5 क्विंटल। एक बार 1 क्विंटल लाए थे, फिर 50 किलो और लाए। जी जी, तो क्योंकि इसका रेशियो जो है 4.5 क्विंटल पर एकड़ का है, तो अगर 1/3 है तो इसमें सर 1.5 क्विंटल लगना चाहिए। जी जी जी, भूल गए। जी जी, तो 1.5 क्विंटल आपने लगाई है हल्दी सर। तो 1.5 क्विंटल का मतलब आप सीधी बात है सर, समझ लीजिए कि अगर इसमें पैदावार पे जाते हैं तो पैदावार आपको लगभग 10 से 12 गुना ये आपको सामने दिख रहा है। इतनी बड़ी हल्दी लगी थी और इसमें गांठ आप देखिए कितना बढ़िया। आप नजदीक से दिखाओ बेटा थोड़ा सा, छायाकर महोदय दिखाइए थोड़ा सा। देखिए इतनी बढ़िया हल्दी ये तैयार है। तो लगभग ये मान के चलिए कि अगर हमारी गांठ 40 ग्राम की है तो ये 600 ग्राम से 800 ग्राम तक की हल्दी ये तैयार हुई है। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना नहीं चाहूंगा कितना गुना हुआ है कितना नहीं हुआ। चलिए मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ रासायनिक और जैविक तरीका क्या है, कैसे चेक करते हैं। किसान भाइयों, मैं दिखाता हूँ कि ये जैविक कब कैसे पता करेंगे कि हल्दी जैविक है। बहुत आसान तरीका है, अगर जिसका जैविक नहीं होगा, अगर आप इसको आंख पे लगाते हैं, अब आंख पे लगाने का तरीका, इसको ऐसे छील दीजिए हल्का सा, इसमें हल्का सा पानी टाइप में हो जाए, देखिए पानी टाइप में दिख रहा है। अब इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पे पुतली पे लगा लीजिए, और इसी पे अगर दूसरी हल्दी जो होगी रासायनिक होगी, आप दूसरी पुतली पे लगा लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, दूसरी पुतली आप बिना 1 मिनट के अंदर बिना धुले नहीं रहेंगे। और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको फिर से मैं लगाता हूँ, ये देखिए फिर से मैंने लगा लिया है।
तो ये मैं आपके सामने ही दिखाऊंगा कि मैं कितनी देर तक बिना धुले रह सकता हूँ। और दूसरी पे आप खुद लगा करके देखिएगा, जो रासायनिक होगी उसको आप 1 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है, अगर बिना किसी मशीन के चेक करना है इससे बड़ा कोई भी तरीका नहीं है। तो किसान भाइयों, मैं बता दूं आपको कि अभी अगर ये हल्दी आपको चाहिए तो मास्टर साहब थोड़ा सा आप भी आ जाइए, क्योंकि आपका भी चेहरा देखना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको ये हल्दी चाहिए तो आप लोग जो है, हम मास्टर साहब का नंबर मैंने डाला हुआ है और अपना भी नंबर डाला हुआ है, मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मेरा हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है और मेरा नंबर हरदम ऑन रहता है। किसान भाई, तो अगर आपको बीज के लिए चाहिए तो भी आप बुक करा सकते हो, आपसे ले सकते हो, और अगर आपको जो है खाने के लिए चाहिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको ले करके खरीद के और उबाल के खाइए, क्योंकि इससे बढ़िया आपको हल्दी बाजार में कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकती। आप लोग सब जानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जहर खाते हैं, तो कोरोना से आप जूझ करके उबर के ऊपर आए हैं, तो अपनी इम्यून पावर को मेंटेन रखिए और हल्दी किसान से लेकर के खाइए। किसान को ही बढ़ाइए, आप अपने किसान भाई को बढ़ाइए, तभी देश आगे बढ़ेगा। किसान भाइयों, जो मैंने आपको चैनल के थ्रू जानकारी दी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे मास्टर साहब से आप चाहे जब चाहे बात कर सकते हैं, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। खेती के बारे में, किसी भी अन्य फसल के बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।